हाय फ्रेंड्स, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जी में आपका अपना स्वागत है भाई। भाई आज है हमारी 6 नवंबर 2022 और कल रात तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर क्लास स्टडी जी के हैं उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें सुबह की न्यूज है कुछ तो, और अच्छे से आज क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूँ। तो सो प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लीजिए, तो एवरीबॉडी कमेंट सेक्शन, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और भाई थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, कभी सुबह हो जाती है, थोड़ा जल्दी आगे पीछे हो जाता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि सुबह सुबह उठना पड़ता है। और उठने से पहले भी देखो, ये ऐसे नहीं कि आपको प्राइम न्यूज़ दे दी जाए या वैसे, कि सारे जो न्यूज़ पेपर हैं उनको पढ़ना पड़ता है, टाइम लगता है पढ़ने में। द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस हो, फिर जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो हो गया, फिर ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ हो गई, डाउन टू अर्थ, ये सारी चीज़ करने के बाद ना ये क्लास बनती है, इतनी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है। और जैसा कि जो आपको बताऊं कि एक रिपोर्ट आई है अभी, जो परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट एजुकेशन से रिलेटेड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ द वेबसाइट थी, इसमें चेक किया, उसमें काफ़ी टाइम लग गया मेरे को, और लगभग उसमें आधा घंटा तो उसमें वेबसाइट चेक करने में लग गया। और इतना सारा जो डाटा है ना, सुबह 4 बजे से पहले न्यूज पेपर आते ही है, देखो ऑनलाइन भी, और तो फिर जो पीपीटी के लिए भेजना, फिर उसको बनाना, उसके लिए फिर जो ऑपरेट करके जो ना अच्छे से करके जो अच्छा सा एक कंटेंट तैयार कराना, अच्छे वाला, ऐसा नहीं बेकार वाला कराने में तो टाइम तो लगता ही है। तो स्टार्ट करते हैं अभी आज की क्लास जो है, क्या है पहला जो टॉपिक है हमारा जो है, तो डिक्लाइन इन द प्री प्राइमरी जो इनरोलमेंट्स, तो ये हमारा क्या है, ये जो टाइम जो है हमारा द हिंदू में आज के न्यूज पेपर में आई हुई बड़ा मुद्दा है, जो प्री जो है प्री जो प्राइमरी स्कूल है उनसे रिलेटेड जो इनरोलमेंट से रिलेटेड जो है जो गिरावट आ रही है। तो डाटा जो दिखाया गया है यहाँ पर जो इस तरह से दिखाया गया है, और बाकी सब जो है कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कुछ है, तो सारी चीज़ को देखेंगे। देखो तो हायर एजुकेशन हो गया, सेकेंडरी स्कूल हो गया, अपर जो प्राइमरी है और प्राइमरी और प्री प्राइमरी, तो यहाँ पे 2018 और 19 में जो ये डाटा है, देखो ये हायर सेकेंडरी में तो ये हमारा 2.6 है, फिर देखो ये 2.6 यहाँ पर है, फिर 2.6 यहाँ पे बीएससी किसके लिए है, फिर 2.286 हो गया 2022 में, और देखो ये सेकेंडरी के लिए 3.8 जो 3.8 यहाँ पे सेम सेम रहा, फिर 3.9 और यहाँ 3.4 यहाँ पे देखो कम हो गया जाके, फिर देखो आप देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो हमारा 3.6.4 है अपर प्राइमरी के लिए, फिर यहाँ पे देखो फिर कम हो, फिर बढ़ गया है, यहाँ पे ग्रोथ हो गई, फिर यहाँ पे यहाँ पे ग्रोथ हुई, और यहाँ पे फिर ये बढ़ा है और बाकी चीज़ें कम हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, ये सारा जो हमारा दिखाता है कि हमारा जो कितना जो लेवल गिर रहा है, और लेकिन जो प्री प्राइमरी से देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में जो इनरोलमेंट जो है कम हुए हैं, और जो यहाँ पर जो प्री प्राइमरी स्कूल से बच्चे उनकी संख्या घट रही है। तो घटने के कारण कई सारे हो सकते हैं, एक तो स्कूल में मान लीजिए टीचर नहीं है या फिर इतनी जो इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो सारी चीज़ को देखेंगे। प्राइमरी एजुकेशन कम्पली जो कम्पल्सरी एजुकेशन होती है, तो ये डाटा है ना हम जो आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है देखो हाँ पे पेपर में सिर्फ इतना ही हुआ है कटिंग, ये नहीं है। तो इससे सारी चीज़ें कौन से आर्टिकल में है, क्या है, कौन कौन सी क्या इसके पीछे, सारी चीज़ को हम देखेंगे, सारा एनालिसिस देखेंगे। तो वी हैव टू द ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जाना पड़ेगा भाई हमें सब चीज़ के लिए। तो दीज आर द कंसीडर्ड राइट्स ऑफ द रिलेटेड टू तो एजुकेशन, तो याद रखने के लिए कौन कौन से मीन्स के लिए कौन क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, सारी चीज़ देखेंगे। तो ये हमने जो मैंने बताया दिया, तो डेक्लाइन से प्राइमरी तो एनवायरनमेंट्स ऑफ द कंटिन्यूइंग टू 2021-22 सेल द गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो क्या कहते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट, तो क्लास स्ट्रेंथ है हमारी जो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द प्राइमरी और द हायर सेकेंडरी स्कूल इंक्रीज 25.57 क्रोर्स एंड 2021-22 एंड द चार्ट शो द एनरोलमेंट्स इन क्रोर्स, तो करोड़ में है सारे जो जो हमारे जो हुए हैं। तो एजुकेशन लेवल तो मैंने बता दिया जो ऊपर लगा हुआ सही हुई है, जीएस पेपर 2 में कवर करा जाएगा, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड द एजुकेशन में कवर करेंगे इसको। तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज द रिपोर्ट ऑफ स्टडी ऑफ नंबर ऑफ द चिल्ड्रन रिपोर्टिंग द प्राइमरी क्लासेस द 2021 एंड द एट द फर्दर ऑफ डिक्लाइन। तो ये शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 2021-22 में प्री प्राइमरी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट देखी गई है। तो ये गिरावट क्यों आई है, तो प्राइमरी एजुकेशन क्या है, प्राथमिक शिक्षा, तो जो प्राइमरी एजुकेशन इज ऑल द एलिमेंट्री एजुकेशन, तो बहुत आर द सेम, इसे प्राइमरी एजुकेशन बोल सकते हैं और जो हम एलिमेंट्री एजुकेशन बोल सकते हैं, इज द टिपिकल द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंपलसरी जो एजुकेशन। तो प्राथमिक जो शिक्षा है, ये प्रारंभिक शिक्षा है, आमतौर पर जो है अनिवार्य शिक्षा का पहला चरण है ये। तो प्री प्राइमरी जो इनरोलमेंट जो पूर्व जो प्राथमिक नामांकन, तो इट इज द रिजल्टिंग 30% फी ऑफ द स्टूडेंट्स इन
दिस स्कूल्स एंड सेक्शंस ऑफ द कंप्रेस्ड प्री कोविड। तो इसके परिणाम स्वरूप जो इस स्कूल में खंड में प्री कोविड की तुलना में 30% से कम छात्र हैं, ये टोटल ऑफ द 95 लाख स्टूडेंट एंटर्ड प्री प्राइमरी एंड क्लास इन 2020 और 2021-22। The resistance drop of 10% as the compared the previous year when the 1.6 crores children enrolled and the these are the classes 2021-22 में कुल जो 94.9 लाख जो छात्रों ने प्री प्राइमरी कक्षाओं में भाग लिया और जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% गिरावट दर्ज करता है, जबकि इन कक्षाओं में जो 1.046 करोड़ की दखल लिया था। तो हाउएवर इन 2020-21 में पहले जो 1.35 करोड़ की तुलना में जो प्री प्राइमरी जो कक्षाओं का नामकरण जो 20% गिरावट थी। एनरोलमेंट्स इन द प्राइमरी क्लास व्हिच आर द इंक्लूड द क्लास 1 to 5 आल्सो सो द ड्रॉप ऑफ द फर्स्ट टाइम एंड द फाइनिंग ऑफ 12.02 लाख इन 2020-21 टू द 12.1 लाख इन द 2020-22। तो प्राथमिक कक्षाओं में नामकरण और जो 1 से 5 में शामिल है जो ये पहली बार गिरावट देखी गई है, और 2020-2021 में जो 12.2 लाख से लेकर जो ये 2021-22 में जो है वो 12.18 लाख हो गई है। हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द प्राइमरी हायर सेकेंडरी इंक्रीज बाय द 19 लाख टू द 20.557 क्रोर्स। हालांकि प्राथमिक क्षेत्र में जो उच्च प्राथमिक क्षेत्र में छात्रों की तुलना में जो संख्या है जो 19 लाख से बढ़कर जो 25.57 लाख हो गई है, तो डिक्लाइन इन नंबर ऑफ द स्कूल also the first time of the sense of the pandemics and reports records declines the number of schools due to the closures and a lack of the teacher। to ye halaki jo prathamik kshetra mein utt prathamik kshetra ki tulna mein jo sankhya 19 lakh se badhkar kitni ho gayi hai 20.5 लाख। तो ये हमारी जो उच्च प्राथमिक में बड़ी है संख्या 19 से 25 लाख के आसपास पहुंच गई है, लगभग जो हमारा 6 लाख का जो इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं जो स्कूल की संख्या में गिरावट आई है, स्कूल की संख्या में साथ ही जो महामारी के बाद जो स्कूल देखो आपने बंद हो गए हैं, तो रिपोर्ट में शिक्षकों की कमी के साथ साथ जो बंद होने के कारण भी स्कूलों की संख्या में गिरावट आई है। तो कहीं पर टीचर नहीं, कहीं स्कूल की दिक्कत है। तो देयर आर 20,000 कम जो स्कूल थे, क्योंकि जो स्कूलों की संख्या जो कुल जो 15.09 से घटकर जो 14.89 लाख हो गई है। देयर आर द आल्सो द 1.89 लाख एंड द 1.98 फीवर द टीचर आर देयर देयर नंबर ऑफ द रिड्यूस फ्रॉम द 96.96 लाख 2020-21 के टू द 95.07 लाख इन द 2020-22। तो एक 1.89 लाख या 1.98 से कम जो शिक्षक में थे, क्योंकि उनकी संख्या जो 2020-2021 में जो 96.96 जो घटकर जो 2020-2021 में 95.07 हो गई है। तो कंप्यूटर फैसिलिटी आर द वर अवेलेबल इन द 44.75% ऑफ स्कूल देयर आर द इंटरनेट एक्सेस ऑफ वाज द अवेलेबल ओनली द 33.99 ऑफ स्कूल्स। तो ये कह रहा है कि 44 जो हमारा जो इतना जो 75% जो स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध थी, जबकि जो इंटरनेट केवल जो टोटल में कितनी इंटरनेट हमारा जो 44 के आसपास मान लेते हैं, लेकिन जो जहाँ इंटरनेट था इसमें इंटरनेट हमारा 33 जो में आ रहा है, जो कंप्यूटर ने दिखा वो कंप्यूटर में देखोगे डब्बा सा रखा रहता है, वो चलता जो घूमने में ना पहिया जो सपोर्ट टाइम देता है, समझ लो जैसे दिखावे के लिए। तो हाउ आर द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंप्रूवमेंट in the improved as the compared to the prior to COVID when only the 38.5% of schools had the computer and 22.35% had the internet facility। हालांकि जो पूर्व कोविड की तुलना में जो उनकी उपलब्धता का सुधार हुआ है, जबकि जो 38.5% स्कूलों के कंप्यूटर थे, जबकि जो 20.3 में जो इंटरनेट की सुविधा थी। चैलेंजेस फेस द प्राइमरी एजुकेशन,
तो हमारे क्या कहें तो प्राथमिक क्षेत्र में आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट हो जाए, बुनियादी क्षेत्र जो बुनियादी ढांचा उसकी कमी है, और क्वालिटी ऑफ टीचर जो शिक्षकों की गुणवत्ता में कमी है, देखो उस तरह के नहीं है जो टीचर है, और गैर गैर जो शैक्षणिक बोझ उनपे जो अलग अलग उन्हें काम दिया जाता है, कभी किसी को पोलियो का, कभी किसी को किसी का वो लिस्ट बनाने का, तो ये सारी चीजें उनको दिया जाता है। उत्तरदायित्व की कमी होती है और जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, और उच्च ड्रॉप जो आउटर हो गया, और जो शिक्षक अनुपस्थिति, जो शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, ये देखो पहले जो देखा देखने को मिला होगा कि एक एक्चुअली टीचर थे वो ट्वेल्थ पढ़ाते, लेकिन उनका जो वो पढ़ाने में प्राइमरी ठीक है, प्राइमरी पढ़ा रहा हूँ, मनी कोई करना नहीं पड़ रहा, काफी सैलरी मिल रही है, और जो दूसरे ने पढ़ा रहे तो देख काफी कैसे आए हैं इस तरह के देखने को मिले, तो खैर अब तो कमी हो गई है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेकंड जो सेफगार्ड्स फॉर द एजुकेशन चिल्ड्रन, बच्चों के लिए शिक्षा की जो संवैधानिक सुरक्षा उपाय है, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 39 ऑफ द डीएसपी हैड द प्रोविजंस ऑफ स्टेट ऑफ एंडोमेंट द फ्रंटियर्स एज वेल एज द एजुकेटेड द इक्विटेबल, तो ये हमारा क्या डीएसपी के अनुच्छेद 45 और जो और अनुच्छेद 39 एफ के राज्य के विविध पोषित होने के कारण जो समान सुलभ सुरक्षा का प्रावधान था, अनुच्छेद 21 में शिक्षा को मौलिक अधिकार रूप में लागू किया गया, आर्टिकल 21 व्हिच इज द मेजर राइट ऑफ द एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द 6 टू 14 इयर्स, तो ये अधिकार जो अनुच्छेद हमारा 21 ए है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच में के लिए शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा 2009 है, और शिक्षा का अधिकार 2009, तो देखो ये सारी चीजें आर्टिकल जो पढ़ाए जा रहे हैं, तो छोटा सा ऐड आया हुआ, तो उस रिलेटेड में क्या क्या सर्च किया, क्या क्या चीजें आनी है, क्यों क्या कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या लिखना होता है, ये सारी चीजें देखनी होती है। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है सरकार की पहल क्या है, तो मिड डे मील हो गया, सर्वशिक्षा अभियान हो गया, और आपका महिला जो समाख्या हो गया, ये है और इम्पोर्टेंट फैक्ट दे देते हैं, फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ द राइट ऑफ एजुकेशन वाज द राममूर्ति जो समिति कमेटी ने दिया था रिपोर्ट 1990 में, शिक्षा का अधिकार का पहला अधिकार दस्तावेज 1990 में राममूर्ति समिति के द्वारा दिया गया था, इसे पता होना चाहिए। द 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2002 प्रोवाइड द राइट ऑफ एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पार्ट 3rd मेजर पोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 2002 में भारत के संविधान में 86 संविधान के अधिकार को जो संविधान के पास जो भाग 3rd में जो मौलिक अधिकार रूप में प्रदान किया गया, 1999 में स्थापित जो तापस जो तापस मजूमदार समिति ने अनुच्छेद 21 को शामिल कर लिया गया, और आरटीआई अधिनियम एससी एसटी सामाजिक रूप में जो पिछले बार को अलग अलग विकलांगों के लिए 25% आरक्षण दिया है। तो मुद्दा हो गया, पता लग गया कि हाँ कैसी जो परफॉर्मेंस है किस तरह से, तो देखो हमें पता होना चाहिए, तो ये जो कितनी गिरावट आई है, क्यों आई है, क्या इसके पीछे, तो सारी चीजें तो हमें देखने हैं, पीरियड और मेंस के लिए पीरियड तो हमारे फैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, और बातचीत में तो ये तो रिलेटेड सर्च में देख लेंगे। तो ये हमारा आरटी जो आरटी 2000 तो ऐसे रिपोर्ट क्या है, नो डिटेक्शन ऑफ पॉलिसी एजुकेशन, तो ये हमारा जो आरटीआई 2009 और असर रिपोर्ट क्या है, शिक्षा में नो डिटेक्शन ऑफ पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाई 2022 एपी सेवन प्लैनेट्स क्लियर था एस्ट्रोइड, तो क्या पूरा चीज को समझेंगे, तो ये हमारा क्या भाई, जैसे कि हम जो प्लैनेट जो देखे होंगे भाई आपने, तो वैसे ही जो खगोलीय इवेंट होते हैं उनको जो उनका एस्ट्रोइड एक जो कैमरे से इस्तेमाल करके है ना उसके ऊपर, तो उनके जो पिकली है हो जाए, और 3 नए एस्ट्रोइड खोजे हैं, सूर्य से आने वाली जो लेयर है उनके पीछे छुपे हुए थे, वो उस चमक के पीछे छुपे हुए थे, और इसमें से एक तो इतना बड़ा है जो ये है 2022 एपी सेवन जो बहुत बड़ा है, और ये अपने आप में इसका नाम इसलिए रखा 2022 जो एपी सेवन रखा गया है, इतना बड़ा है कि जो ये भाई जो फ्यूचर में ना पृथ्वी से टकरा जाए ना, तो ये पूरी तरह से जहाँ पे जीवन लुप्त हो सकता है अगर टकरा जाए तो जैसे पहले बहुत सारे जो डायनासोर पहले थे भाई वो लुप्त हो गए थे, एस्ट्रोइड है वैसे पृथ्वी से टकराएगा तो भाई जीवन नष्ट हो सकता है, क्योंकि जब जो आपस में टकराते हैं ना डायनासोर पृथ्वी से लगभग जो जैसे भाई जो टकराते हैं जैसे तो 1 किलोमीटर के ऊपर जो आसपास जो ऊपर जाते हैं और नीचे पर टक गया तो एक्सपायर हो जाते हैं मर जाते हैं, इस प्रकार जो पृथ्वी का जो ऑर्बिटल जो क्रॉस किया था एक बार जिसने जो देखो पृथ्वी का जो ऑर्बिटल है वो क्रॉस किया है, परंतु जो उस टाइम जो अपोजिट जो डायरेक्शन में था तो इसलिए बचे नहीं तो देखो हम लोग खत्म हो जाता था। तो ये एस्टोरेट्स ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ द एस्टोरेट्स इन द ट्रीट ऑफ द अर्थ, तो ये क्या है हमारा जो जीएस पेपर 2 में अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी स्पेस रिलेटेड में हमें काम आएगा,
ये हमारा आ जाएगा 2022 एपी 7th प्लेनेट स्केलर एस्टेरॉयड। तो ये खगोलीय विद्युत की जो 18 सूर्य की जो चकाचौंध से छिपी 3 विशाल का पृथ्वी की जो निकट शुद्ध ग्रह को खोज की है, तो इसमें जो 2022 एपी 7 नामक एक जो लगभग जो एक दशक से खोजे जाने वाला सबसे बड़ा जो ग्रह हथियार आकार का जो सूर्य ग्रह माना जाता है, इतने आप में बहुत ज्यादा डेंजर है, टकरा जाए तो जीवन नष्ट कर देगा, ये पृथ्वी के लिए संभावित रूप में जो खतरा हो सकता है। तो एस्टेरॉयड की 2022 एपी 7 सूर्य भी है होगा, तो ये हमारा क्या है 2022 एपी 7 के बारे में, 2007 जो हमारा जैसा सूर्य ग्रह जीवन के विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है, जैसे कि हम जानते हैं कि वो संभावित रूप से बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की जो घटना का जो कारण बन सकता है। 1.5 किलोमीटर चौड़ा जो ये 2022 एपी 7 सूर्य ग्रह का एक जो कक्षा जिसके लिए दिन और पहले जो ग्रह के लिए टकराव के रास्ते पर आ सकती है, वर्तमान में है ना सूर्य ग्रह केवल जो पृथ्वी की कक्षा पर पार करता है जबकि सूर्य के विपरीत दिशा में था उस टाइम पे। तो ये क्या था इसमें, तो टेक्नोलॉजी यूज छोड़कर आईटी, तो ये इसे खोजने के लिए इस्तेमाल हो जाने वाली तकनीक कौन कौन सी यूज की है तो उसके बारे में देखेंगे। कोहली जो है जो गोल जो जो घोलूली के घंटों वाली, तो घोलूली घंटों वाली घंटों के दौरान जो अपनी जो अपने जो अवलोकन किया और रात की जो संक्षिप्त रात में जो लेकिन जो अनुकूल जो 10 मिनट की जो खिड़की उसकी जो एक डार्क एनर्जी कैमरा डार्क एनर्जी कैमरा से इस्तेमाल किया है जो हाई टेक जो कैमरे के साथ है जो आकाशीय क्षेत्रों के अत्यधिक जो संवेदनशील के लिए कैप्चर करने में सक्षम है। कैमरा मूल रूप से जो एक डार्क एनर्जी सर्वे के रूप में बनाया गया था। तो अबाउट एस्टेरॉयड सूर्य ग्रह के बारे में, सूर्य ग्रह के चारों ओर घूमने वाली चट्टानें वस्तुएं जो कहलाने के लिए बहुत छोटी हैं उन्हें जो प्लेनेट जो प्लेटेलाइट्स के या माइनर प्लेटेलाइट्स के प्लेनेट्स के रूप में जो जाना जाता है, लाखों सूर्य ग्रह जिनका जो आकार सैकड़ों मील से लेकर जो कई फीट तक है, तो कुल मिलाकर जो सभी सूर्य ग्रह के लिए द्रव्यमान में चंद्रमा से भी कम है, और सूर्य ग्रह मुख्य रूप से सौर मंडल के 3 क्षेत्रों में स्थित है। अधिकांश जो सूर्य ग्रह मंगल और जो बृहस्पति कक्षाओं में एक जो विशालकाय विलय में स्थित है, कई सूर्य ग्रह जो मुख्य रूप से स्थित है उदाहरण के लिए जो ट्रोजन सूर्य ग्रह, तो ये देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ द एस्टेरॉयड्स कौन कौन से हैं, तो सूर्य ग्रह के प्रकार कौन कौन से, रासायनिक संरचना के आधार पर जो सूर्य ग्रह 3 प्रकार के होते हैं कौन कौन से, सी टाइप एस टाइप एम टाइप। सी टाइप को देख लेते हैं, इसमें जो 3 मुख्य रूप से कार्बन यौगिक होते हैं उनके जो हरे रंग के दिखाई देते हैं सूर्य ग्रह से लगभग जो 75% की श्रेणी है, और जो एस टाइप में आता है इसमें आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं, उससे इस तरह के जो सूर्य ग्रह होते हैं छोटे और उज्जवल होते हैं और आमतौर पर जो आंतरिक सूर्य ग्रह बेल्ट में भी पाए जाते हैं। एम आकार के नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है, तो सूर्य ग्रह श्रेणी के जो निकिल और जो सूर्य लोहे पाए जाते हैं इसमें। तो की फैक्ट्स में देख लेते हैं, साइंटिस्ट हैव सो हार्ड सो फार एंड द डिस्कवर्ड ओनली द आउटर 25 एस्टेरॉयड विद द ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। तो ये हमारा क्या है, देखो इसको लिए देख सकते हैं इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियंस IAU के डील्स होता नेम होता है द क्रेटल्स बॉडीज इंक्लूड द स्टार्स ऑफ द प्लैनेट्स एंड द एस्टेरॉयड्स। वैज्ञानिकों ने अब तक जो 25 सूर्य ग्रहों की खोज की है जिनकी कक्षाएं पृथ्वी में कक्षा में है, और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑफ यूनियंस की सूर्य ग्रहों की सही खोज ये प्रोडक्शन आर्मी में संबंधित है। द साइंटिस्ट बीकन्स द रेफर्ड टू एस्टेरॉयड टू माइनस प्लेनेट्स बाय द 1802 तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारे लिए देखो फिर एजुकेशन के ऊपर जो इस तरह की जो रिपोर्ट आई जाए आई गई है, तो इस पे इसको देखेंगे फिर वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग रिपोर्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज ना रिपोर्ट जी रिलीज हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो एक एजुकेशन सिस्टम के लिए अलग अलग जो ग्रेडिंग बनाई गई है, और ग्रेड 1 में कोई नहीं है देखो, और 2017-18 में हमने जो स्टार्ट किया था तो ये क्यों स्टार्ट किया था सारी चीज़ों को देखेंगे, और ये जो PIB और जो ऑल इंडिया रेडियो दोनों में आया हुआ न्यूज है, और इससे जो पता चलता है कि हमें जो खास चैनल करते हैं क्या हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये सारी चीज़ इसलिए हैं। जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग जो रिपोर्ट है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज द रिपोर्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग रिपोर्ट इन स्टेट यूटी एंड फॉर ईयर 2020-21 के लिए आई है। तो ये हमारा जो GS पेपर 2 में कवर करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में,
अब तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग जो इंडेक्स क्या है देखो, तो ये हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द टोटल रिलीज्ड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जीपीए जो पीजीआई स्टेट्स ऑफ ड्यूटी एंड 2021 It is the unique index of evidence of completion analysis of schools and education system across the state and the UTs. तो ये स्कूल और साक्षरता जो शिक्षा मंत्रालय ने आज 2020 और 21 के लिए राज्यों के लिए केंद्र शासित के लिए के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई जारी किया है. यह है संघ राज्यों के संघ और जो स्कूल की शिक्षा प्रणाली आधारित जो व्यापार के लिए बहुत सूचकांक है. और चलिए देख लेते हैं एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या है इसका. एम द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीजीआई टू प्रमोट द एविडेंस ऑफ बेस्ड द पॉलिसी मेकिंग द हाईएस्ट द हाई द हाईलाइट रिसोर्सेज ऑफ द करेक्शन इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन फॉर ऑल. तो पीजीआई का मुख्य उद्देश्य जो साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना. जैसे नीति निर्माण करते हैं, जैसे मान लो भी आप भी आईएएस ऑफिसर जैसे तरह से बन जाते हैं तो आपको भी जरूरत पड़ेगी. तो उसके लिए जो नियम कानून जो बनाया जाता है सभी जो गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम सुधार के लिए उजागर करना है. तो पीजीआई का अंतिम उद्देश्य जो राज्य और जो केंद्र शासित राज्यों के लिए भूमियामी हस्तक्षेप के लिए प्रेरित करना है जो सभी आयामों को कवर करने के लिए वांछित और इष्टतम शिक्षा परिणाम लगाएगा. अब देख लेते हैं इसमें नेम्स ऑफ स्टेट्स हैं और जो लेवल कोर्सेज हैं. तो लेवल वन लेवल जो लेवल वन टू और जो थ्री फोर फाइव सिक्स तो इस तरह से हमारे जो ये आठ है. और जो टोटल इसमें देखो ये कौन कौन से हैं. आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान, चंडीगढ़, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और सार. तो ये हमारा अंडमान निकोबार है इसमें. तो इसमें जो लेवल वन में जो इसमें देखो फर्स्ट में कोई भी नहीं आया. सेकंड में हमारा जो कौन कौन से आंध्र प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया और राजस्थान. और टोटल जो है सात, टोटल है सात. तो ये पता होना चाहिए क्वेश्चन बनेगा. लेवल थर्ड में हमारा जो अंडमान निकोबार है और पौंडीचेरी है और इसमें जो जो दादरा नगर हवेली है और दमन दीप हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, लक्षद्वीप हो गया, एनसीटी ऑफ द दिल्ली हो गया, उड़ीसा हो गया. तो इसमें टोटल कितने हो गए 12 हो गए. और लेवल जो फोर्थ है, फोर्थ में हमारा असम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, झारखंड हो गया, लद्दाख और त्रिपुरा और इसमें टोटल है 6. और लेवल फाइव में जो हमारा जो है ये हमारा जो 751 से जो हमारा 800 तक इसमें बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना इसमें टोटल 6 इसमें भी. और लेवल जो फिर आपका आता है छठा उसमें आता है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड. तो इसमें 4 है. और फिर हमारा जो जो सातवें लेवल में आता है जिसको 651 से 700 तक है उसमें जो अरुणाचल प्रदेश है जो एक ही है अपने आप में. और लेवल जो 8 में 9 कोई भी यूटी नहीं है, कोई भी स्टेट नहीं है. और ये नेक्स्ट अभी हमारे इसके लिए देखते हैं डिटेल क्या है. इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड विद द अबाउट 14.9 लाख स्कूल्स एंड 30.95 लाख टीचर्स एंड नियरली 26.5 करोड़ स्टूडेंट. जो लगभग जो 14.9 लाख स्कूल हैं जो सबसे बड़ा जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षकों की संख्या जो 26.5 करोड़ है, छात्रों की संख्या जो ये हमारी और छात्रों की संख्या के साथ जो भारतीय प्रणाली शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रणाली में से एक है. तो DOSELCL जो हमारी है संघों और राज्यों के लिए क्षेत्रों की स्कूली शिक्षा का सफलता प्रदर्शन और उपलब्धियों के अंतर्राष्ट्रीय और डेटा संरक्षित तंत्र को प्रदान करने के लिए राज्य और राज्यों के लिए पीजीआई तैयार किया गया है. अब तक जो है DOSEL के लिए जो 2017-2018 के लिए 2019-2020 के लिए पीजीआई रिपोर्ट जारी है. वर्तमान रिपोर्ट में वर्ष 2021-2022 के लिए उम्मीद है कि पीजीआई राज्यों में केंद्र शासित राज्यों के लिए कमियों के लिए दूर करने के लिए मदद करेगा और तदनुसार हस्तक्षेप से के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता देगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षा स्कूली शिक्षा की प्रणाली का बच्चों का मजबूत है. इसमें जो टॉप 5 जो अचीवर्स में जो पीजीआई 2020-2021 में कौन कौन से केरल हो गया ग्रेड 2 में हो गया और जो मध्य जो महाराष्ट्र हो गया ये भी ग्रेड 2 में है, पंजाब हमारा ग्रेड 2 में है, चंडीगढ़ हमारा ग्रेड 2 में है, गुजरात ग्रेड 2 में है. अच्छा तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें संरचना क्या है. पीजीआई स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्लेसेस ऑफ 1000 पॉइंट्स अक्रॉस द 70 इंडिकेटर्स ग्राउंड्स इन टू द टू कैटेगरीज द आउटकम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मैनेजमेंट. तो जीएम तो ये हमारा जो पीजीआई संरचना में 70 संकेतों के साथ जो 1000 अंक शामिल किए हैं जिसमें जो 200 अंक बढ़ गया है परिणाम स्वरूप जो प्रबंधन जीएम और जो इंस्टीट्यूट में जो जो 5 डोमेन विभाजित किया गया अर्थात सीखने के लिए परिणाम जो एलओ एक्सेस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा है आज एफई और जो सीटी इंग्लिश शासन के लिए
प्रक्रिया जीपी है। टिकल लर्निंग ऑफ द आउटकम्स एंड द क्वालिटी, तो राजस्थान में जो स्कोर है हमारा इसका जो 168 आउट ऑफ 180, फिर हमारा जो है चंडीगढ़ है इसका स्कोर है 160, इसका आउट ऑफ 180 में से है। और टिकल जो कर्नाटक का जो स्कोर है 160, ये भी देखो तो सेम है 160 देखो राजस्थान में ज्यादा है। और झारखंड का जो 156 है ये जो 180 में से ये भी, तो सारी चीजें तो ये हमारा जो एज एज वाज द डन इन द प्रीवियस इयर्स पीजी एज 2048-41 द क्लासिफाइड द स्टेट ऑफ यूपी इन द ग्रेड वाइज हाईएस्ट द अचीवेबल्स द ग्रेड्स ऑफ लेवल वन व्हिच आर द स्टेट ऑफ द स्कोरिंग द मोर देन 950 पॉइंट्स एंड द टोटल ऑफ द 1000 पॉइंट्स द लोएस्ट ग्रेड ऑफ लेवल जो 10 व्हिच आर स्कोर द 551। जैसा कि हमने जो पिछले वर्षों में पाया देखा गया है कि जो पीरियड 2020-2021 में राज्यों केंद्र शासित राज्यों के लिए 10 ग्रेड वर्गीकृत किया गया इसमें उत्तम प्राप्त करने के लिए योग्य है ग्रेड स्तर जो वन है और जो कुल जो 1000 अंकों के पे जो 950 अधिक अंक प्राप्त करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। न्यूनतम ग्रेड जो 10 है और जो 551 नीचे के स्कोर के लिए है। तो अब देख लेते हैं लर्निंग आउटकम्स ऑफ द क्वालिटी में इसमें दिल्ली का है ये 80 है जो 80 में से 79 है और केरला का जो 79 है ये 80 में से और ये पंजाब का जो 79 है 80 में से और तमिलनाडु का जो ये भी 78-80 में से और ये जो परफॉर्मेंस देख लेते हैं प्रदर्शन जो कुल जो 7 राज्यों के केंद्र शासित राज्य और जो प्रदेश केरल पंजाब चंडीगढ़ महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान आंध्र प्रदेश 2020-2021 के लिए लेवल सेकंड के लिए 1901 से जो 1950 हासिल किया ओ सॉरी 901 से 950 जबकि जो 2017 और 2018 में 4 में से कोई नहीं जो 2019 में और 20 में गुजरात राजस्थान आंध्र प्रदेश में किसी भी राज्य के लिए उच्च स्कोर हासिल के लिए प्रवेश कर हैं। और जब द न्यूली परफॉर्मेंट ऑफ यूटी दे आर द लद्दाख मेड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ पीजीए लेवल 8 लेवल फॉर इन द 2020-2021 इंप्रूव द स्कोर ऑफ द 299 पॉइंट्स एंड 2020-2021 इसमें जो पंजाब है पंजाब को जो 384 अंक मिले हैं 348 में से ये सारे को बार पूछे ये कह रहा हूं ये पूछे जाते हैं कितने कितने मिले हैं क्योंकि अभी जो आईवीआरआई का पेपर हुआ तो उसमें पूछे गए थे तो इस तरह से तो केरला में हमारा 342 स्कोर इसमें 360 में मिले हैं महाराष्ट्र में 340 से 360 मिले हैं। और नेक्स्ट अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं द इंडिकेटर वाज द पीजीआई स्कोर द स्कोर ऑफ सोल दी आर द स्कोर ऑफ नीड द प्रो संकेतक वाज द पीजीआई स्कोर उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां पे राज्य की जरूरत है द पीजीआई विल बी द रिफ्लेक्ट ऑफ द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म दिस आर द इंप्रूव्स इन केस ऑफ द परफॉर्मर बेटर पीजीआई के सभी क्षेत्रों के साथ एक प्रदर्शन में समान पैमाने पर प्रदर्शन करेगा और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन करता है। तो यहाँ आया दादरा नगर हवेली एंड दमनदीप इसमें जो स्कोर है हमारा 226 है 230 में से महाराष्ट्र में 225 से 230 में से और पंजाब में 225 से 230 में से छत्तीसगढ़ में 224 से 230 में से साथ ही जो उन राज्यों को केंद्र में शामिल किया गया है जो अपने बनाए जाने वाले सबसे सर्वोत्तम पठा और सूचना के अच्छे स्रोत के रूप में जो काम करने जिससे साझा किया जा सकता है। यह छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों प्रदर्शनों के लिए सभी स्कूलों के शिक्षा परिणाम के लिए स्थितिकारी धारकों के लिए अपने जिले के अन्य प्रदर्शन के लिए जाने के लिए मदद करता है। तो इसमें देख लो फिर इसमें पंजाब आ जाएगा पंजाब में 150 में से 150 इसमें पंजाब वेरी गुड एक्सीलेंट है। और जो हमारा जो चंडीगढ़ में जो 149 है और समग्र शिक्षा अभियान जो स्कीम क्या है और मिड डे मील स्कीम क्या है तो ये हमारे सारी की पता होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है और जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा है और समग्र शिक्षा अभियान ये हमें रिलेटेड सर्च में देखना है जो आपका मध्यान्ह योजना है इसके बारे में और देखो यूपीएससी के स्कूल जो हमारा जो ये है क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए एकलव्य मॉडल स्कूल का उद्देश्य जो अनुसूचित जनजाति और जाति समुदाय के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दूसरा हमारा जो समग्र शिक्षा
स्कूल के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए पूर्ण विद्यालय के लिए बारहवीं कक्षा तक के स्कूल के लिए एक नियुक्त करना है। भारत के सब बच्चों के लिए युवा और जो गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन के लिए चुनौतियां सामना करना कर रहा है, जिसके कथन में आलोक में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में चर्चा कीजिए। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मुद्रा स्कीम से रिलेटेड है। मुद्रा स्कीम क्या है? तो ये मुद्रा स्कीम इसके तहत जो है ना 10 लाख तक का जो लोन दिया जाता है, वो इसके तीन लेवल होते हैं। जो लेवल है मोदी जी ने अपने जिसमें वाहन में बताया है कि भाई कितने लोन हमने दिए हैं, पूरे जो स्टेटमेंट में बताया कितने लोन दिए हैं, कहाँ कैसे कैसे। तो ये हमारा जो जीएसटी पेपर 2 में कवर करेंगे, इसके जो वेलफेयर स्कीम एंड वैल्यूएबल्स जो सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर ऑफ द स्टेट्स। तो ये हमारा जो मुद्रा स्कीम है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोन्स द वर्थ टू 20 लाख करोड़ हैव द डिस्ट्रीब्यूट एंड अंडर द सेंटर ऑफ द मुद्रा स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुद्रा स्कीम की योजना के तहत जो 20 लाख करोड़ ऋण वितरित किए हैं या युवा स्वरोजगार उत्पन्न जो अवसर प्रदान करता है। अबाउट द प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जो ये हमारा जो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना क्या है, ये इट लॉन्च 2015। ये मुद्रा जो स्टेट फॉर द माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट एंड द रेफरेंस ऑफ एजेंसी ऑफ लिमिटेड। तो ये मुद्रा स्कीम होता प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY आर द बैंक्स प्रोवाइड द कोलेटरल्स फ्री लोन्स एंड द 10 लाख। तो ये हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, इसमें भी 2015 में लॉन्च किया गया था। तो पूछा जा सकता है कब लॉन्च किया गया, तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है। तो मुद्रा का जो मतलब होता है माइक्रो यूनिट होता है डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस द एजेंसी लिमिटेड है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो PMY के लिए है, जो 10 लाख रुपये तक का जो कैरी डेटर्स जो ऋण मुक्त जो ऋण प्रदान करते हैं, यह ऋण और कृषि लघु जो सूक्ष्म और जो सरल गतिविधियों के लिए दिए जाते हैं। यह सूक्ष्म उद्योगों के लिए वित्त पोषण और सहायता प्रदान करना है, जिसमें सरकारी बैंकों के लिए की जो वार्षिक ऋण स्वीकृति लक्ष्य प्रदान करती थी, मुद्रा ऋण और जो कृषि गतिविधियों के लिए उपलब्ध है 10 लाख और जो कृषि से जुड़ी है और गतिविधियों से जैसे डेयरी जो पोल्ट्री और जो मधुमक्खी पालन के लिए भी है शामिल किया गया है इनके लिए है। और जो इसके प्रकार के हैं तो PMY के तहत तीन प्रकार के जो लोन दिए जाते हैं, इसमें शिशु है वो 50,000 रुपये तक है, और किशोर है वो 50,000 एक से जो 5 लाख रुपये तक है, फिर तरुण में है तरुण में 50,000 जो 5 लाख से और ये 10 लाख रुपये तक का है। तो ये इतना हमें पता होना चाहिए जो अच्छा सेक्टर कवर कौन से हैं। तो ये योजना जो विशिष्ट व्यावसायिक गतिविधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लाभार्थी दर्जी दर्ज उत्पादों के लिए कवरेज अधिकतम स्कोर करने के लिए प्रारंभ में कुछ गतिविधियों जैसे क्षेत्रों के व्यवसाय और जो उच्च संकेतों के लिए ये योजना प्रस्तावित है। अब इसमें जो लोन जो लैंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ एक्टिविटी एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स सेक्टर एक्टिविटी कम्युनिटी सोशल पर्सनल्स और एक्टिविटी फूड जो प्रोडक्ट सेक्टर की सारी चीजें जाएंगे, भूमि परिवहन क्षेत्र आ जाएगा, गतिविधि आ जाएगा और कपड़ा उद्योग और कपड़ा उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा, गतिविधि और जो समुदाय सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र जो खाद उत्पाद क्षेत्र हो जाएगा, सिग्निफिकेंस के कौन से क्या है। दिस स्कीम इज द फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द मेजर्स ऑफ रिलेटेड टू द MSME अनाउंस्ड अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। यह योजना जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित किया उपाय में से एक क्रियान्वयन के लिए है। तो इस योजना के अभूतपूर्व के लिए अपने प्रक्रिया के रूप में दिया गया है। इसका उद्देश्य उधारकर्ताओं के लिए ऋण लागत को कम करके पीरियड के नीचे एक जो वित्तीय मानव कम करना है, यह लोगों के लिए प्रोत्साहित करना है जिसमें जो नियमित रूप से ऋण की भुगतान करेगा। तो लेटेस्ट सर्च में देख लेते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होता है, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है और जो हमारा जो उद्यम मंत्री पोर्टल क्या है, ये चीजें बतानी चाहिए हमें। नेक्स्ट लैंग्वेज है नॉर्थ कोरिया, तो मैं इन दो मिसाइल्स तो नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल लॉन्च किए, तो उसके रिलेटेड न्यूज है भी। तो इससे जीएसटी पर टॉपिक में कवर करेंगे इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन पॉलिटिकल डेवलप्ड एंड डेवलपिंग द कंट्रीज इंडिया द इंटरेक्ट। तो ये हमारा जो नॉर्थ कोरिया दो मिसाइल्स पहुंचे हैं, उत्तर कोरिया ने अपने जो दक्षिण कोरिया पड़ोसी देश की जो पश्चिमी
पश्चिम में जो दो दो में से जो दो 20 मिसाइलों को डालने के बाद जो कोरिया जो प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है और 1953 में दोनों देशों के बंटवारे के बाद जो पहली बार मिसाइल दक्षिण कोरिया के क्षेत्र में पास की उतरी है और विवरण देख लेते हैं। उत्तरी कोरिया के लिए जवाबदेही कार्य के लिए उत्तरी कोरिया के तट पर हवा से जमीन में मार करने वाली तीन मिसाइलें डाली है। राष्ट्रपति के प्रेक्षण आदेश के दिया है कि जो उत्तर कोरिया अपने जो उकसावे के लिए एक स्पष्ट कीमत चुना है चुका इसके लिए और जो रीजन में जो बिहेन क्या है इसके पीछे कारण क्या है। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास के खिलाफ जो चेतावनी देने के बाद जो गति हुई है उसमें उत्तेजना आक्रमण और जो पूर्व अभ्यास के लिए देखता है। ऑपरेशन ऑपरेशन जो क्या है ऑपरेशन सतर्क अभियान ये तूफान क्या है तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपना जो अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त अभ्यास किया है जिसमें जो ऑपरेशन विजिलेंट जो स्टॉर्म शाम कहा जाता है इसमें जो अभ्यास में दोनों बीचों में चलने वाले सैकड़ों विमान शामिल होंगे जिसमें पूरे सप्ताह ये सप्ताह नकली हमले करते हैं और जो अमेरिका एक बार फिर इस क्षेत्र में जो एफ जो 35B स्टील जेट जो तैनात किया गया है और दक्षिण कोरिया में जो F-35 विमान भी भाग लेंगे और अभ्यास के लिए लगभग जो 380 विमानों को 1600 उड़ानों की उम्मीद बढ़ने की उम्मीद है और जो न्यूक्लियर ट्रीट क्या है परमाणु खतरा क्या है उत्तर कोरिया में चेतावनी दी है कि दोनों इतिहास में सबसे बड़े भयानक कीमत उत्पादन करेंगे और जो संभावना है कि परमाणु खतरे के इशारा करते हुए कहा है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया ही और जो अधिकारियों का दबाव क्या है जो प्योंगयांग अपना साथ और परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार कर रहा है और जो 2017 के बाद जो देश का पहला परीक्षण है तंबल उत्तर कोरिया का नया जो कानून पारित करने के लिए खुद को बचाने के लिए प्रोमोवेटिव जो परमाणु हमले के लिए अनुमति देता है इसलिए परमाणु शक्ति के रूप में जो मजबूत करता है। तो हाईलाइट ऑफ द टेंशन क्या है जैसे कि हाल में क्या है मिसाइल में सबसे दोनों कोरिया के बीच में बढ़ते तनाव के लिए समय हुए हैं और दोनों के लिए चेतावनी शॉट और दो गोलों तो खाने के गोले डाले गए हैं और दूसरे पर अपनी सीमा को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। उत्तर कोरिया में के जो व्यापारी जहाज के लिए उत्तरी सीमा के लिए देहा को पार करने के बाद दक्षिण कोरिया पीले सागर में चेतावनी शॉट कर डाले। इसके बाद जो उत्तर कोरिया में समुद्री सीमा को तोड़ने के लिए दक्षिण कोरिया जो नौसैनिक जहाज में जवाब जो नौकाने जो गोले डाले और नेक्स्ट न्यूज हमारी आती है तो रशिया से रिलेटेड न्यूज अभी हमारा तो लाइका एंड द स्पुतनिक 2 तो ये क्या है भाई रशिया ने जो 65 साल हो गए हैं जो सुनो इसने जो 65 साल पहले कुतिया को जो कुत्ता नहीं तो इसको जो फीमेल लोग बोल सकते हैं तो ये इसको अर्थ के ऑर्बिटल में चक्कर लगाने में उतारा था और स्पुतनिक जो 1 फिर जो स्पुतनिक 2 को देखना चाहते हैं जो स्पेस ह्यूमंस ने जो अराइवल के लिए अच्छा होगा क्योंकि जो लाइका था इसका जो फीमेल लोग है इसके लिए अब ये इसको 65 साल हो गए हैं तो इसके बारे में मुझे भी 65 साल पहले इसका जो इसको भेजा जाता है उसी याद में जो मनाया गया है तो फीमेल लोग की वजह क्योंकि देखो जो डॉग होता है उसका कलर तो ज्यादा रहती है बड़े डॉग के लिए तो बात मान जाती है और सुन लेती है मतलब तो और ये जो लाइका एंड द स्पुतनिक 2 ऑन नवंबर 3 1957 द सोवियत यूनियन जो अर्थ ए डॉग्स एंड द डॉग वाज द नेम द लाइका न 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ ने जो स्पुतनिक 2 लॉन्च किया था और इतिहास में बना दिया था वो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जीवित परमाणु तो ये कुछ नाम को किया था जो ये लाइका है इसका नाम इसके नाम पर था। अबाउट द फ्लाइट वाज द मेन ऑफ द टेस्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्पेस द होमस इन ड्रॉप एंड द ट्रिप ऑफ द लाइका उड़ान मनुष्य के लिए अंतरिक्ष और सुरक्षा के प्रश्न करने के लिए लाइका के लिए एक तरफ यात्रा करने के लिए समाप्त हुई और जो लाइका वाज इज द स्ट्रे ऑफ डॉग दैट पिक्ड फ्रॉम द स्ट्रे ऑफ मास्किरो एंड द वीक फ्रॉम द लॉन्च ऑफ द स्पुतनिक 2 लाइका का जो एक आवारा कुत्ता था जिसे जो स्पुतनिक 2 लॉन्च जो लॉन्च होने के एक हफ्ते पहले ठीक पर मास्को भी जो सड़क से उठाया गया था और मिशन को जो मादा कुत्ता को छा रहा था लेकिन जो इसे निकट कारावास के लिए सारे रूप से जो बेहतर अनुकूल पाया कि ये अच्छा है। तो व्हाट इज द स्पुतनिक 2 स्पुतनिक 2 क्या है ये हमारा जो स्पुतनिक 1 जिसे 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था बीच में बीच बॉल ऑफ आकार का जो गोला जो पृथ्वी की परिक्रमा करता था जी जो बी पर जो उत्सर्जन करता था एक महीने बाद जो स्पुतनिक 2 का लॉन्च किया गया था सोवियत संघ के प्रधानमंत्री जो निकिता सुखदेव ने जो उसकी जो बोल्शेविक जो क्रांति 40वीं वर्ष गांठ में मेल खाने के लिए उड़ान अनुरोध करने के लिए जो की खोज बनाई थी और ये द इंजीनियर्स लॉन्च द स्पुतनिक 1 इज द क्रिएटेड द सेकंड 1 इज द कंप्लीमेंट ऑफ द फाइंड इंजीनियर ने स्पुतनिक 1 सीखा और जो दूसरे बनाने के लिए कुत्ते के डिब्बे के साथ बनाया तो की फैक्ट देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ द सोवियत सुंग वाज द लीडिंग सर्वे ऑफ द स्पेस
एक समय जो सोवियत संघ जो अन्वेषण की जो अग्रणी था और जिसने एक तरह से अमेरिका को पिछाड़ा हुआ है जो पिछाड़ दिया था उस टाइम से कनाडा का बहुत ज्यादा बसता था भाई। जब लाइक का जहाज स्पुटनिक 2 जो कक्षा में चला गया तो अमेरिका ने पीछे रह गया और जो अमेरिका की पूरी वैज्ञानिकों ने जानवरों का उपयोग किया और जो मुख्य रूप से बंदर चिंपांजी कुत्ते और अंतरिक्ष में जीव जीव लॉन्च करने के लिए जीवित अप्रभावित वापस लाने के लिए प्रत्येक क्षमता परीक्षण करने के लिए और इसमें जो इसके लिए देख लेते हैं तो ये हमारा जो ये हमारा सैटेलाइट है तो इसके बारे में तो ये RIST का मतलब क्या है मैं सैटेलाइट लॉन्च 2009 हैज बीन द अनकंफर्टेबल एंड रीएंट्री ऑफ द अर्थ टू एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा गया 2009 में जो प्रक्षेपित RAST-2 जो पृथ्वी के उपग्रह में हम लोगों को अनियंत्रित पुनः प्रवेश किया गया है और जो RAST सैटेलाइट तो विंग्स ऑफ द ये हमारा 300 kg मेड द अनकंट्रोलेबल रीएंट्री द इंडियन ओशियंस नियर। तो ये हमारा जो है हिंद महासागर में पुनः जो रूप से जो पुनः प्रवेश किया तो इस स्ट्रेटेजिक्स तो क्या है हमारा जो ये बंगलुरु की सुरक्षा और चैप्टर से संचालन प्रबंधन ISO 4M सुविधा के लिए भारतीय प्रणाली पिछले एक महीने से पुनः प्रवेश के लिए निगरानी कर रही थी और BSC की जो और जो आई इसीलिए ISTRC की टीम के द्वारा जो इन जहाजों को विकसित करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए गए विश्लेषण और मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए MTOR का उपयोग करके जो ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है। तो अबाउट जो देख लेते हैं इसके बारे में मोटर होता है RAST के लिए वो में ट्रैक किया गया उसका डेटा का उपयोग करने के लिए विशेष निर्धारण करने के लिए किया गया इसके लिए RAST का मतलब होता है रडार इमेजिंग सैटेलाइट होता है जो 13 साल पहले जो PSLV लॉन्च करने के लिए किया गया था। RAST का जो 2 जो हमारा 2009 में लॉन्च करने के लिए वाला था और जबकि जो RAST-1 जो विलंब हो गया था केवल 2012 में लॉन्च किया गया था। RAST जो है का जो वन अब जो लॉन्च नहीं किया है बहुत लंबे समय के बाद इसरो ने PSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया सिर्फ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए किया गया है। तो व्हाट इज द PSLV PSLV क्या है PSLV जो पोलर सैटेलाइट व्हीकल दूर दूर तक स्वदेशी विकसित करने के लिए एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है। यह जो विभिन्न प्रकार के जो कक्षाओं को पहुंचने के लिए माध्यम जो लिफ्ट जो लॉन्चर श्रेणी में आता है जिसे जियोसिंक्रोनियस जियोसिंक्रोनियस ट्रांसफर ऑर्बिटल अर्थ ऑर्बिटल पोलर सिंक्रोनियस ऑर्बिटल के रूप में जो ऑर्बिट है। नेक्स्ट हमारा जो चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी ऑफिसर्स तो ये क्या है हमारे इसमें क्या होगा जो हमारे ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे जो है ना तो उनके लिए क्या है पूरी चीज तो देखेंगे। तो चाइल्ड वेलफेयर जो हमारी पॉलिसीज है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ द अफेयर्स एंड आस्ट्रो स्टेट यूनियंस टेरिटरीज ड्यूटी जो हमारे अपॉइंटमेंट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स और CWPO इन द एवरी पुलिस स्टेशन में किए जाएंगे और ये एक्सक्लूसिवली डील है विद द चिल्ड्रन एंड डील करेंगे और विद एजस विक्टिम्स ऑफ द टीपी क्रिएटर्स। तो ये गृह मंत्रालय राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस स्टेशन में एक प्रकार का बाल जो कल्याण पुलिस अधिकारी होंगे और ये CWPO संरक्षण आयोग ने जो गृह मंत्रालय के किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 प्रावधान को लेकर आया जिसमें जो कम से कम 2 अधिकारी को जो उन सहायक उपनिरीक्षक के रूप में जो पद से नीचे हो वहां तक जो नियमित करने की मांग करता है जो स्टेशन में जो CWPO के रूप में अलग उपयोग के लिए अलग अनुरोध किया गया है जिसमें प्रत्येक जिले में शहर के लिए विशेष रूप से किशोर पुलिस जो इकाई की स्थापना की जाए और नियंत्रण के लिए पुलिस आपराधिक अधिकतर पद के लिए नीचे की जो अधीक्षकों को ना रखे उससे नीचे नहीं रखना हमें। और तमिलनाडु पुलिस ने सूत्रों से एडवाइजरी रूप में हवाले से बताया कि WCWPO के संपर्क में जो विवरण सभी प्रकार के सूचना प्रदर्शन के लिए देना चाहिए और जो जनता के लिए सतर्क सड़क हो सके यहाँ पे। तो यह जो एडवाइजरी बच्चों के खिलाफ जो बढ़ते हुए अपराध और पशुओं में आते हैं जिसमें जो पोक्सो अधिनियम के तहत जो हत्या और अपराध भी शामिल है और जो स्पेशल जो जुनाई जो पुलिस यूनिट क्या है विशेष जो किशोर पुलिस इकाई जो इसमें प्रकार की जो CWPO
कि बाल गेहूं जो कल्याण के लिए काम करने के लिए अनुभव करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। और इसमें देख लेते हैं तो जिसमें जो महिला होंगी और बच्चे होंगे और संबंध रखने के लिए संबंध में पुलिस के साथ सभी कार्यों के समान करने के लिए होंगे। क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन क्या है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, टोटल नंबर ऑफ द क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन इंक्रीज, जो हमारे 1,28,521 से अब जो 2020 में थे आप कितने हैं, 1,49,400 लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुंचे हैं 2021 में, ये रिपोर्ट है। और 19,173 मामलों में जो मध्य प्रदेश में देश में सबसे ऊपर है, उत्तर प्रदेश जो 16,838 मामलों में दूसरे स्थान पर है, देश भर में जो दर्ज किए गए जो 1,279 मामले हैं और जो 1,1402 बच्चों की हत्या कर दी गई है, और 2021 में 1,18,549 बच्चों का अपहरण और जो अपहरण से जो 1,15,000 बच्चों को दर्ज किए गए हैं मामले उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सूची सबसे ऊपर है। लेटेस्ट सर्च में देख लेते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर ऑफ द प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 क्या है, पोस्को एक्ट क्या है, जो किशोर जो बच्चों की देखभाल की संरक्षण अधिनियम 2015 क्या है, पोस्को एक्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा जो नेशनल फार्मिंग मिशन पोर्टल क्या है इसके बारे में देखते हैं, तो ये हमारा पोर्टल है जो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सॉरी नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उन्होंने तरफ से लॉन्च किया है, और नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग NMF, तो ये बेनिफिट ऑफ द फार्मिंग कमेटी। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कृषि समुदाय के लाभ के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMF के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो पोर्टल ऑफ द कंटेंट्स ऑल इंफॉर्मेशन और द मिशंस द इंप्लीमेंटेशन आउट ऑफ द रिसोर्सेज इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्रेस फार्मर एंड द रेजोल्यूशंस ब्लॉग्स ETC इट विल बी द यूजफुल ऑफ द यूजफुल फॉर द फार्मर्स एंड द वेबसाइट आल्सो द हेल्थ ऑफ प्रोमोटिंग द नेचुरल फार्मिंग ऑफ द कंट्री। तो पोर्टल में जो मिशन रूप से जो केवान में रूपरेखा जो संसाधन और केवान में के लिए प्रगति किसान परीक्षण कर ब्लॉग आदि के बारे में से प्रकार जानकारी शामिल है। यह जो किसानों के लिए उपयोगी है, ये वेबसाइट के जो प्राकृतिक खेती के लिए जो बढ़ावा देने के लिए मदद करेगी। और ये इसमें देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल फार्मिंग क्या होते हैं, तो ये नेचुरल फार्मिंग के लिए केमिकल फ्री होता है ये हमारा, इसमें जो प्राकृतिक के लिए प्राकृतिक खेती रासायनिक जो खेती से मुक्त होती है, इसमें पशुधन से जो बसता है जैसे हमारा गोबर उससे बढ़ा दिया जाता है, उसमें खाद के लिए यूज होता है। ये मुख्य रूप से जो फसल बहुफसल प्रणाली अपनाने के लिए करता है, पोषक तत्व से मिट्टी के संवर्धन और गाय और आवर्धन और जो इंपोर्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति संघनाथ है। तो इसमें जो जो नेचुरल फार्मिंग देख लेते हैं, होस्टोलिक जो अप्रोच क्या है, तो डाइवर्सिटी हो गया, कवरिंग ऑफ द सॉइल हो गया, और जो मिनरल्स ऑफ सॉइल हो गया, तो जो पेस्ट हो गया, यूज ऑफ द इंजीनियस हो गया, तो न्यूट्रिएंट ऑफ साइकिल हो गया, इंश्योरिंग ऑफ इंपोर्ट एंड अराउंड शेयर हो गया, तो नो जो सस्टेनिक्स और इनपुट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ द स्टॉक हो गया, इको जो ब्लेंस ये सारी चीजें इसमें जो कवर में आएगी इसमें, और ये स्टेट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ नेचुरल फार्मिंग कौन कौन से राज्य जो प्राकृतिक खेती का अभ्यास कर रहे हैं, तो देयर आर द सेवरल स्टेट्स ऑफ द देयर आर द प्रैक्टिस इन नेचुरल फार्मिंग प्रमोट अमंग द देयर आर द आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात केरल झारखंड ओडिशा मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो प्राकृतिक खेती का अभ्यास करने के लिए राज्य में उसमें जो प्रमुख लोग हैं आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और जो गुजरात उड़ीसा मध्य प्रदेश और ये तमिलनाडु शामिल है।